जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ देहात पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से गांव टियाला के बाईपास से मवेशी चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें मेरठ का एक मीट विक्रेता भी शामिल है जो चोरी के मवेशी खरीद कर मीट बेचता है। गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी से असोड़ा की बकरी पालक महिला की हत्या से भी पर्दा उठ गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, 2 चाकू, 1 कार और 1 बाइक बरामद की है। ये दिनांक 12/10/21 के सुबह में कुछ जो असोड़ा गांव है, थाना हापुड़ देहात में पड़ता है, वहाँ पे एक महिला के घर में जो बकरी चोरी करने की घटना हुई थी, जिसमें महिला का जब विरोध किया गया महिला के द्वारा, तो उस पर चाकू से हमला किया गया था। उसमें उसको महिला को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। कुछ टाइम के बाद उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी महिला की। इसी मुकदमे में, इसमें 302 का मुकदमा भी लिखा गया था। इसमें एसओजी टीम और हापुड़ देहात की पुलिस टीम के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो इस घटना में इन्वॉल्व थे। इसमें जो मेन अभियुक्त हैं उनका नाम है प्यार उर्फ अनस पुत्र शरीफ। ये लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ के रहने वाले हैं। इनका पहले भी बहुत आपराधिक इतिहास है, लगभग 0.5 दर्जन इस पर मुकदमे हैं, जिसमें गैंगस्टर और अन्य गंभीर धाराओं में भी इसमें FIR दर्ज हैं पहले से ही। और इसके साथ 2 अभियुक्त इरफान और रईस, इनको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जो इरफान है ये इनसे इनके साथ ही रेकी करके और घटना कारित करता था। जो असोड़ा गांव में घटना हुई उसमें भी ये संलिप्त था। और जो रईस नाम का व्यक्ति है ये मीट का कारोबार करता है, और जो चोरी किए गए पशु होते हैं वो इसी को जाके ये बेचते हैं। अगर बकरी है तो इसने लगभग वो 5,000 के आसपास इन्होंने इसको बेची थी। और अन्य भी चोरों से ये जो रईस नाम का व्यक्ति है ये इस तरह के पशु चोरी में जो चोरी की घटना में जो रहते हैं उनको खरीदता है और आगे फिर उनको बेचता है। नहीं, इसमें अन्य 2 लोग जो प्यार और फनस है, इसके 2 भाई और हैं जो कि इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व थे, और पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है, जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित है। पास से एक तो जो वैगनार गाड़ी थी जिससे इन्होंने ये घटना कारित की थी वो मिली है, 1 बाइक मिली है, तमंचा और 2 चाकू भी इनसे बरामद। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने बताया कि थाना हापुड़ देहात पुलिस और एसओजी की टीम मिलकर गश्त कर रही थी कि गांव टियाला के पास 3 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पकड़े गए बदमाश गांव असोड़ा में 12 अक्टूबर को महिला की हत्या कर बकरी चोरी के आरोपी निकले। आरोपी मेरठ के लिसाड़ी गेट का प्यार उर्फ अनस है, जिस पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित है, जबकि दूसरा आरोपी मजीदपुरा हापुड़ का इरफान है। तीसरा आरोपी लिसाड़ी गेट मेरठ का रईस है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपने साथी मोहम्मद चांद और काले उर्फ आमिर के साथ 12 नवंबर को गांव असोड़ा की अमन कॉलोनी में एक महिला की हत्या कर बकरी चोरी की थी। बकरियों को रईस को बेच दिया गया। रईस मवेशी काट कर मीट बेचने का धंधा करता है।